जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहलोक उजागर, राम दूत अतुलित बल दामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। हनुमान चालीसा का पाठ वैसे तो हर एक व्यक्ति को मुंह जबानी याद है, लेकिन इसके क्या महत्व होते हैं? ऐसा क्या कारण है कि निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करने के बावजूद भी इस पाठ का लाभ हमें नहीं मिल पाता? दोस्तों, हनुमान जी को कलयुग का सबसे जागृत देव माना जाता है और कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी सशरीर विचरण कर रहे हैं और अपने भक्तों का निरंतर कल्याण कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हनुमान जी को अजर अमर होने का वरदान मिला हुआ था। भारतवर्ष में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले भगवान हनुमान जी हैं और कई सारे भक्त हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कई सारे उपाय करते हैं, और उसमें से सबसे प्रचलित पाठ हर एक भक्त करता है वो है हनुमान चालीसा का पाठ। वैसे तो हनुमान चालीसा का पाठ काफी प्रचलित है, क्योंकि इस पाठ को करने से बल और बुद्धि जागृत होती है, लेकिन कई लोग इस पाठ को निरंतर करते हैं लेकिन फिर भी इसका लाभ उन्हें नहीं मिल पाता। ऐसा क्या कारण है कि प्रभु की कृपा उन्हें प्राप्त नहीं हो पाती? ऐसा क्या कारण है, ऐसी क्या गलती हो रही है इस पाठ को करने में कि पाठ का हमें फल नहीं मिल रहा? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 5 सबसे बड़े ऐसे कारण जिससे हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करने के बावजूद भी भक्तों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। सबसे पहला कारण, हनुमान चालीसा और मन का भटकाव। प्रभु हनुमान जी को काफी डिसिप्लिन वाला भगवान माना जाता है, और जब भी हम हनुमान जी को याद करते हैं तो हमारे मन में एक डिसिप्लिन वाले भक्त की इमेज क्रिएट होती है। लेकिन आपको क्या लगता है, आज के इस युग में, इस 21st सेंचुरी में, मोबाइल, टेलीविजन और लैपटॉप जैसे ऐसे यंत्र हैं जो हमारा ध्यान भटकाने में काफी हद तक सफल भी हो जाते हैं, और जिस एकाग्र मन से हम निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, पाठ करते वक्त हमारे मन में दुनियादारी की 36 बातें चलती हैं कि आज शाम को मुझे शायद किसी से मिलने जाना है, हो सकता है बीवी ने कुछ काम बोला होगा वो याद आ रहा होगा, हो सकता है कि मेरा कोई काम पेंडिंग होगा मुझे वो कंप्लीट करना है। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, अगर मन में इतनी सारी बातें चलेंगी तो क्या हमारी भक्ति या जो हम प्रार्थना भगवान जी से कर रहे हैं वो पूरी होगी? तो दोस्तों, हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान हमारे मन में एकाग्रता होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब पूजा में ही मन एकाग्र नहीं हो पाएगा तो सोचिए जिस काम की मनोकामना पूर्ति के लिए हम पूजा कर रहे हैं वो काम कहाँ से पूरा होगा? उस काम में एकाग्रता नहीं होगी तो कहाँ से मिलेगी सफलता? और कहते हैं ना, बिन एकाग्रता न भक्ति सफल होगी और न काम। इसीलिए ऐसे लोगों को जो पाठ का निरंतर जाप करते हैं लेकिन एकाग्रता मन से नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को इस पाठ का लाभ नहीं मिल पाएगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण, दुख में भक्ति और सुख में पार्टी। जब हमें काफी दुख होता है तो हनुमान जी के सामने हम चले जाते हैं अपनी फरियाद पूरी करने, अपनी मनोकामना लेकर, और जैसे ही हमारी वो मनोकामना पूरी होती है और हम खुश हो जाते हैं तो हम पार्टी करने लगते हैं। तो भाई मुझे एक बात बताइए, जब दुख में हमने हनुमान जी को याद किया था तो हमने सुख में हनुमान जी को याद क्यों नहीं किया? अगर हम उनका स्मरण करना सुख में भी भूल रहे हैं तो शायद हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करने के बावजूद भी हमें इस हनुमान चालीसा के पाठ का लाभ नहीं मिलने वाला है। अब साल भर हमने पढ़ाई तो की नहीं, लेकिन जैसे ही एग्जाम पास आते हैं हम सीधा भगवान जी के सामने पहुंच जाते हैं, सीधा हनुमान जी के सामने पहुंच जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि बस भगवान जी इस बार पास करा देना, अगली बार अच्छे से पढ़ूंगा। तो अब मुझे एक बात बताइए, साल भर हमने हनुमान जी को याद नहीं किया और ना ही अच्छे से पढ़ाई की और हम कुछ दिन पहले पहुंच जाते हैं, तो मुझे एक बात बताइए, क्या हनुमान जी आपकी फरियाद सुनेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। दिन भर झूठ बोलने वाले और पकड़े जाने पर सजा से बचने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ने का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं तो हनुमान चालीसा के पाठ का लाभ हमें बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। काम हो जाने पर भक्ति भूल जाते हैं। हम तो आज के समय में ऐसे ही हैं, जब काम आता है तो भगवान जी को याद कर लेते हैं और जब काम पूरा हो जाता है तो भगवान जी को भूल जाते हैं। सिर्फ दुख में भक्ति करते हैं और सुख में भगवान जी का स्मरण करना भूल जाते हैं। और अगर ऐसा काम हम कर रहे हैं तो हनुमान चालीसा के पाठ का लाभ हमें बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा कारण, मंगलवार और शनिवार को छोड़कर बाकी के बचे दिनों में बुरे कर्म करना। बुरा मत मानिएगा, आज के समय में कुछ आपको ऐसे हनुमान भक्त मिलेंगे जो मंगलवार और शनिवार को हनुमान की भक्ति में विलीन हो जाते हैं लेकिन बाकी के बचे दिनों में बुरे कर्म करते हैं, जैसे कि पीना, खाना, अपशब्द का प्रयोग यूज करना और महिलाओं से दुर्व्यवहार करना। दोस्तों, अगर आप में से भी कुछ ऐसे लोग होंगे तो ये सारे फेक भक्त हैं। अगर हम भी ऐसा काम कर रहे हैं तो हमें हनुमान चालीसा के पाठ करने का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। चौथा सबसे बड़ा कारण,
जो प्रभु से किया संकल्प तोड़ेगा वो जिंदगी भर भोगेगा। आजकल लोग परेशानी में फंसे होने पर अपनी मिन्नतें लेकर, अपनी फरियाद लेकर प्रभु के सामने पहुंच जाते हैं और नाना प्रकार के संकल्प लेते हैं। बहुत सारे प्रण करते हैं प्रभु से कि ये चढ़ा दूंगा, वो चढ़ा दूंगा, ये करूंगा, ये दान करूंगा, वो ध्यान करूंगा, इत्यादि इत्यादि। और जैसे ही काम पूरा होता है एकदम से गायब हो जाते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे ही प्रभु उनकी परेशानी दूर करते हैं वो प्रभु को भूल जाते हैं। अगर हम और आप में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये काम कर रहे हैं तो ऐसे झूठे हनुमान भक्तों को हनुमान चालीसा की निरंतर पाठ करने का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। पांचवा सबसे बड़ा कारण, विधि विधान से पूजा ना करना। याद रखिए दोस्तों, शॉर्टकट सिर्फ आपके लैपटॉप के कीबोर्ड में होता है। हनुमान चालीसा या हनुमान की भक्ति में उसे शॉर्टकट का यूज ना करें। 2 मिनट नूडल्स 10 मिनट डिलीवरी वाली जनरेशन के लिए ये खास सुझाव है, पूजा पाठ में शॉर्टकट बिल्कुल भी ना खोजें। आज की जो जनरेशन है ना, वो टेक्नोलॉजी से घिरी हुई है। हम दिन ब दिन आलसी होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हम सफलता में भी शॉर्टकट ढूंढते हैं। सफलता में शॉर्टकट तो ढूंढते हैं लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं मिलता। लेकिन लोग अब पूजा में भी शॉर्टकट खोजने लगे हैं, और शॉर्टकट खोज तो रहे हैं लेकिन उस पूजा को करने का कोई परिणाम नहीं मिलता। दोस्तों याद रखिए, भगवान की जो भक्ति है प्राचीन काल से चली आ रही है, और जैसे ही ये भक्ति प्राचीन काल से होते हुए आई है वैसे ही ये भक्ति अनंत काल तक होगी। इसीलिए हनुमान चालीसा या कोई भी पूजा पाठ हो उसे पूरी विधान से शास्त्रों के अनुसार ही की जानी चाहिए। अगर हम हनुमान चालीसा या किसी भी पूजा पाठ में शॉर्टकट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह हनुमान चालीसा के पाठ का लाभ हमें बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। सभी हनुमान के सच्चे भक्तों से विनम्र निवेदन, हम मानव बदल रहे हैं, हमारी भक्ति भी बदल रही है, लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, भगवान नहीं बदले। अगर इस वीडियो को देखकर आप सभी ने कुछ ज्ञान प्राप्त किया हो या कुछ ऐसी गलती आप सभी के समझ आ रही हो जो हम हनुमान चालीसा के दौरान करते हैं, तो ये वीडियो अपने तक सीमित ना रखें। ये वीडियो का संदेश उन सभी लोगों तक पहुंचाए जो हनुमान चालीसा की भक्ति का पूरा पूरा लाभ लेना चाहते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हनुमान जी आप सभी के जीवन के सारे कष्ट हर लें।